हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको काउल नेक टॉप कटिंग और स्टिचिंग करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम काउल नेक टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करें। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, काउल नेक टॉप कटिंग होता है ये, यहाँ से ये जो हमारे यहाँ पे प्लेट्स पड़ती हैं तो इसे हम काउल नेक टॉप बोलते हैं। और इसमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कटिंग जोड़ नहीं होता है कि ये जो प्लेट आती हैं और इसमें हम एक्स्ट्रा जोड़ कटिंग करें। तो दोस्तों ये कटिंग का ही थोड़ा फार्मूला होता है, कटिंग करने का तरीका कि आप इसे किस तरह से कटिंग करेंगे तो ये आपकी प्लेट्स जो आती हैं तो इसी तरह से प्लेट्स आएंगी कटिंग करने में। तो हम इसकी कटिंग करके आपको बताते हैं, फिर उसके बाद में आपको स्टिचिंग करके बताते हैं। अगर आप वीडियो एक बार पूरी देखेंगे तो आपको ये दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप आसान तरीके से इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम शुरू करते हैं। ये देखिए हमने कपड़े को फोल्ड कर रखा है, आपका जो भी साइज हो अपने साइज के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए हमने जिधर से फोल्ड है तो ये हमने फोल्ड वाला अपनी तरफ रखा है, और ये जो ओपन है किनारी हमारी तो किनारी हमने बाहर की तरफ रखा है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, पहले तीरे का निशान लगाना है। ये देखिए हमने तीरे का निशान लगा दिया सीधा। अब इसके बाद में हमें दोस्तों तीरा हम अपने हिसाब से रख रहे हैं 7 इंच, आपका जो भी साइज हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 7 इंच तीरा हम रखेंगे मतलब 14 इंच, तो इसमें आधा इंच हमें दबाव ले लेना है। तो 7.5 इंच पे हमें निशान लगाना है, और इसका गले की ब्रॉडिंग होगी तो ये गला ब्रॉड होगा हमारा 6 इंच, तो 6 इंच का आधा 3 इंच। अब यहाँ पे हम 1.25 इंच के आसपास कंधे डाउन करेंगे, और इसका हम आरमोल 7.5 इंच पे डाउन करेंगे, और इस निशान को हमें सीधा लगा देना है, और ये निशान को भी हम इस तरह से सीधा चेस्ट का जो आर्मोल का होता है निशान तो हमें लगा देना है। अब दोस्तों कमर का निशान हमें लगाना है, तो कमर हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और हिप का निशान हम लगा लेते हैं 22 इंच पे। तो आप 27 इंच तक रख ले, ये 27 इंच पे हमने रिपल शेप के हिसाब से हमने 27 इंच लंबाई रखी है इसकी। और वैसे अगर स्ट्रेट यहाँ से सीधा नीचे से पहनना है तो आप 24 इंच तक रख सकते हैं। अब ये निशान हमें सीधा लगा देना है। अब चेस्ट आपके जो भी हो अपने हिसाब से निशान लगाएं। चेस्ट है हमारी 37 इंच, तो हम 9.25 इंच पे हमें निशान यहाँ पे लगाना है, और कमर है 30 इंच तो हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। और दोस्तों ये हिप है 38 इंच, तो यहाँ पे हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। वैसे यहाँ पे कमर पे ज़्यादा फिटिंग नहीं देते तो आप इसे लूज भी रख सकते हैं। ये देखिए हम सबसे पहले एक और शॉर्टकट तरीका आपको बता देते हैं कि ये हमें सीधा चेस्ट और हिप का सीधा निशान लगा लेना है, और उसके बाद में हम यहाँ पे 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे, और इन निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। आप ये थोड़ा सा लूज ही रखें क्योंकि ये लूज ही बनता है, फिटिंग में ज़्यादा नहीं बनता। तो ये हमने कमर जो हमारा साइज था तो कमर के हिसाब से हमने निशान लगा दिया था। तो इस तरह से अगर आपको लूज ज़्यादा लगता है तो आप बाद में टाइट भी कर सकते हैं, और ये आपको मार्जिन रखना है। अब यहाँ पे हमें ये देखिए इस तरह से आरमोल का शेप दे देना है, और यहां से हम नीचे की तरफ इस तरह से गोल राउंड जिसे बोलते हैं, अब इसे हमें कटिंग कर देना है। दोस्तों इसमें गला हम इसी में कटिंग कर लेंगे, या फिर आप बुकरम में भी गला बना सकते हैं। तो ये हमें ज्यादा डीप गला इसका नहीं लेना, हम 2 इंच सिर्फ गला डीप लेंगे इसका, और यहां से हमें इस तरह से इसकी शेप दे देना गले की। अभी देखिए सबसे पहले हमें गले की कटिंग करना है, और इसके बाद में ये जो कंधे हमने डाउन किया है तो कंधे डाउन पे कटिंग कर देना है। अब इसके बाद में हमें आरमोल को कटिंग करना है। अब दोस्तों इसको लूज टाइट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करना है, निशान पे हमें कटिंग नहीं करना। तो इसमें हम ज़्यादा मार्जिन भी नहीं लेंगे,
एक इंच से लेके 1.25 इंच तक हम मार्जिन इसमें लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमारा गोल सेप आएगी, तो इसमें ज्यादा हमें मार्जिन नहीं लेना, सिर्फ हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पल्ला हमारा कटिंग हो चुका है, अब हमें फ्रंट का पल्ला कटिंग करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें ध्यान देना, ये जैसे हम नॉर्मल कुर्ती की या सूट की कटिंग करते हैं तो उसी तरह से कटिंग करना। अब इसे हम हटा के रखेंगे, अब हमें फ्रंट का भाग कटिंग करना है। तो दोस्तों हम जो साइज है हमारा, तो हम उसी साइज के हिसाब से कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। तो अब हमें फ्रंट का पल्ला कटिंग करना है, तो जैसे हमने बैक पल्ले को यहाँ पे बिछाया था तो उसी तरह से हमें फ्रंट पल्ले को भी बिछाना है। ये देखिए हमने इस तरह से जिधर हमारा ओपन है तो हमने बाहर की तरफ रखा है, और जिधर से हमारा कपड़ा फोल्ड है तो हमने अपनी तरफ रखा है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखिए जो बैक पल्ले की हमने कटिंग किया था तो उसे इसके ऊपर बिछाना है इस तरह से। ये यहां से हम बिल्कुल बराबर बिछाएंगे पहले। ये देखिए इस तरह से बिछाने के बाद में हमें क्या करना है, हम यहां से बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये हम पहले निशान इसमें लगा लेते हैं, उसके बाद में हमें कटिंग करना है। ये जो फालतू कपड़ा हो रहा है तो इसे हमें पहले कटिंग कर देना है। तो ये हमने नीचे की साइड चेस्ट के पास से हमने बिल्कुल बराबर कटिंग कर लिया है। अब हमें करना क्या है, यहां पे भी हमें थोड़ा सा निशान लगा लेना है सिर्फ आइडिया के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हमें बिछा लेना है इसके ऊपर। अब इसके बाद में ये 8 इंच से कम ना हो, 10 इंच तक होगा तो चलेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना है 10 इंच का। अब इस कपड़े को हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखिए जो निशान लगा है, तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं पहले ताकि हमें पता चल सके कितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने कट लगा लिया है, अब इसी के बराबर से हमें ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जहां तक हमारा आर्म होल यहाँ से ओपन होगा, मतलब जो बैक पल्ले की हमारी ये देखिए फिटिंग आ रही है, तो वहीं तक हमें उससे थोड़ा सा नीचे कपड़ा हमारा जाना चाहिए। तो ये हमारा कपड़ा थोड़ा सा नीचे है, तो इसी तरह से आपको भी नीचे की तरफ रखना है कपड़ा। अब इस तरह से रखने के बाद में ये हमने 8 इंच रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा और फालतू रख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब ये देखिए जो निशान हमने लगा रखा है आर्म होल का बैक साइड से, तो ये हमें इस तरह से ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है तो इसे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अब ये कटिंग करने के बाद में आप पहले यहाँ पे कंधी कितनी रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप निशान लगा लें। तो यहाँ पे हम कंधी रखेंगे 2.5 इंच की, तो इस तरह से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हम इसका जो आर्म होल है तो 8 इंच हमें रखना है इस तरह से। ये देखिए जो हमने कंधी रखा है यहाँ की, तो हमने 2.5 इंच ही रखी है, और ये जो आर्म होल है तो हम 8 से थोड़ा सा फालतू रख सकते हैं, 8.5 इंच तक रख ले। और ये देखिए हमें इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से निशान लगा दिया है। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद में अब हमें बिल्कुल निशान पे ही कटिंग कर देना है। तो इस तरह से हमने इसका आर्म होल की कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों इसे करना क्या है, ये देखिए हमने इसीलिए बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जोड़ रख ले, कपड़ा रख लें कम से कम 10 इंच का, ये जो कपड़ा हम फोल्ड किया लंबाई के एक्स्ट्रा में, तो ये तो हमारी लंबाई यहाँ तक आ रही है, उसके बाद में जो कपड़ा हमें लेना है तो 10 इंच का एक्स्ट्रा लेना है हमने जो ये फोल्ड किया है, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा आपका फालतू रह सके।
तो इसमें हम जोड़ लगा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो अंदर चला जाएगा कपड़ा। अब देखिए इसकी कटिंग किस तरह से हुई है, हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा सूट पूरा कटिंग हो चुका है। अगर आप इसमें बाजू भी लगाना चाहते हैं तो बाजू नॉर्मल जिस तरह से कटिंग करते हैं तो उसी तरह से हमें बाजू की कटिंग करना है। उसका बाजू की कटिंग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप वहां से आसान तरीके से बाजू की कटिंग का तरीका आप सीख सकते हैं। तब ये देखिए हम बैक पल्ले को हटा रहे हैं और ये हमें फ्रंट पल्ला लेना, तो यहाँ पे हम हल्का सा सेंटर कट लगा लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमें जोड़ लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा में। ये आप यहाँ पे एक बार हम और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं दोबारा से रख के। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है कपड़ा फोल्ड करके। ये दोस्तों बनने के बाद में बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए हमने इस तरह से इसे बिछा के रखा था। और हमें करना क्या, थोड़ी सी कंधी हम यहां से इस तरह से डाउन कर देंगे अंदर की तरफ। आप इसमें कटिंग करते टाइम ये ध्यान रखें, ज्यादा नहीं, आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से कटिंग कर लें। तो ये देखिए हमारा इस तरह से कटिंग हो चुका है। अब जब हम इसे ओपन करेंगे फ्रंट से और यहां से ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाएगा। और फोल्ड होने के बाद में ये दोस्तों देखिए कुछ इस तरह से आएगा। ये जब बनने के बाद में कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो इसकी जो ये चुन्नट कुछ इस तरह से इसमें प्लेट्स आएंगी, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो ये कटिंग हो चुकी है, हम चलते हैं मशीन पे आपको स्टिच करके बताते हैं। ये दोस्तों जो हमने बोला था कि 8 इंच हमने ये 8 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो ये हमने 2 इंच का जोड़ लगा लिया इसमें, तो ये हमारा टोटल 10 इंच का एक्स्ट्रा हो गया है। क्योंकि ये आर्म होल की जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा कम पड़ जाता, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लगा लिया है 2 इंच का। तो ये हमारा टोटल जो हमने फोल्ड किया था कपड़े को, ये देखिए इस तरह से ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था, तो ये अब हमारा टोटल 10 इंच की लंबाई हो गई है। तो आपको भी ये 10 इंच रख लेना है। अब ये हम पहले यहाँ पे किनारी इसकी फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें, या फिर आप इसमें ओवरलॉक भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमारी एक कंधी है जहां से हमने कपड़े को फोल्ड किया था, तो वहीं से हमें इस तरह से पकड़ना है। और ये देखिए अब हम दिखा देते हैं आपको, ये हमारा आर्म होल है, तो इस तरह से हमें मिला के रखना है। और हम क्या करेंगे, यहां पे पहले हमें सिलाई लगा के इसे पलट लेना है। तो इसमें हम पहले एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पे हल्का सा हम इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमारी जब हम इसे पलटें तो ये आराम से बैठ जाए। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम मिला के रखेंगे और यहाँ पे भी हमें एक पैर का दबाव देके सिलाई लगाना है। अब ये देखो हमें इस तरह से पलट देना है इसे। पलटने के बाद में अब इसमें हमें सिलाई लगा देना है।
हमने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा देना है। अब ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद में ये देखिए कुछ लुक इस तरह से आएगी। ये आर्म होल हो गया और ये देखिए हमारा गला हो जाएगा यहाँ पे। ये दूसरी तरफ का आर्म होल है और ये जो प्लेट आएंगी यहाँ पे, तो ये दोस्तों आएंगी। अब हमें बैक पल्ला तैयार करना है। ये हमें 1 इंची चौड़ी पट्टी और रेब में कट इन कर लेना है, जो हम गले में अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें लप पे सिलाई लगाना है। तो ये जैसे हमने गले में फालस पट्टी लगाई है, तो उसी तरह से हमें दोनों तरफ मुड्ढे पे लगा लेना है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड लगा लेना है। ये दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हम बैक पल्ले के ऊपर ये फ्रंट पल्ले की कंधी रखेंगे इस तरह से, तो इसे हमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। अब ये जो हमने फालस पट्टी लगाई थी, तो ये देखिए अंदर की तरफ हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड की कंधी को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों गले की भी हमें इसी तरह से फालस पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब ये दोस्तों देखिए इस तरह से हमें दोनों को एक साथ में मिला के और ये जो हमने निशान लगा रखा है फिटिंग के, तो इसी पे हमें सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, घेरा इसका फोल्ड करना है। तो घेरा देखिए एक बार में इस तरह से पहले फोल्ड कर ले, उसके बाद में जब दूसरी बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, अगर एक बार में आप फोल्ड कर सकते हैं तो एक बार में कर लें, नहीं पहले आप इस तरह से फोल्ड करके पूरे में पहले सिलाई लगा लें। तो हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। ये देखिए एक बार हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके हम पहले सिलाई इसमें लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गोल घेरा होता है ना, तो इसमें थोड़ा सा मोड़ने में मुश्किल होती है। तो दोस्तों ये हमने एक बार घेरा फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जैसे हमने पहले फोल्ड किया है, तब हमें एक बार इसे और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि घेरा हमारा फिनिशिंग से एक बराबर फोल्ड होगा। अगर हम एक बार में फोल्ड करते हैं तो दोस्तों कहीं मोटा और कहीं पतला हो जाएगा। तो आप इस तरह से फोल्ड कर लें डबल, पहले एक बार फोल्ड करें फिर दूसरी बार में फोल्ड करके सिलाई लगाएं। काउल नेक टॉप कटिंग और स्टिचिंग करने के बाद में कुछ इस तरह से फाइनल लुक आया हुआ है। तो अगर ये आपको काउल नेक टॉप स्टिचिंग और कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।